देखिए बहुत देर हो, बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के विलंब से सरकार जागी है, अब जाकर वार्ता शुरू हुई है। वार्ता करीब 1 बजे के आसपास शुरू हुई है नवजोत, इस दौरान ये हालत यहाँ पर बिगड़े हैं, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी स्थिति खराब हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जब तक मांग नहीं मानी जाती है, जैसा कि बीजेपी के सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो कह रहे हैं कि दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ सकता है, तो ये क्या आप लोग आंदोलन भी शुरू कर सकते हो? यहाँ आंदोलन क्यों नहीं शुरू करें? करेंगे आंदोलन शुरू, यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन होगा और सड़कें जाम भी करनी पड़े तो सड़कें जाम होगी, सरकार झुकेगी, आप देखना कैसे नहीं झुकेगी सरकार। पंच पटे सर्व समाज का निर्णय हुआ है, ये कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर सर्व समाज जो निर्णय करा उसके साथ हम सब लोग। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन एक बार अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के दृश्य दिखा दें। ये गांव का दृश्य है, गांव में ये तंबू लगा हुआ है और ये सारे के सारे लोग इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तंबू में। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं, आप निखिल आप दिखाइए, एक बार दृश्य दिखाते रहिए कि किस तरह के गांव के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये दृश्य मैं अशोक गहलोत सरकार को दिखाना चाहता हूँ, एक छोटे से गांव में किस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इंसाफ के लिए उस पुजारी के लिए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 36 घंटे हो गए यहाँ पर इंतजार करते करते। कल शाम को सरकार ने खबर दी थी तो लगा था कि कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है, इस वजह से यहाँ पर ये हालत है। देखिए पहाड़ी का नीचे, पहाड़ी के नीचे यहाँ पर वो मकान बनाने की कोशिश कर रहा था वो पुजारी, ये इस तरह की झोपड़ी है उसकी, उस झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी के बदले खुद गांव के पंच ने कहा था कि हम जमीन दे देते हैं, आप मकान बना लीजिए, उसी जमीन को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ था, उसी जमीन पर के झगड़े की वजह से ये हालात पैदा हुए और इस तरह के दृश्य बना है। तो सरकार अगर ये कहती है कि हमने कार्रवाई की, तो हमारी सरकार से यही कहना है कि आपने 24 घंटे बाद एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, 48 घंटे बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जो वादे आपने जयपुर में किए थे परिवार से वो पूरे नहीं किए।